नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज पूर्व कौरव सैनिक कल्याण समिति द्वारा प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहू बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। नैनीताल बैंक के कर्मचारी बैंक के विलय के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर बैंक कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आंदोलित कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। बता दें, धरना प्रदर्शन में बैंक की अलग अलग शाखाओं के कर्मचारियों और के अलावा खाताधारक भी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन और बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कुछ डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाई तो लिख ही रहे हैं, इसके साथ ही जांचें भी प्राइवेट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में कराने को लिख रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान कुछ लोगों ने ऐसे डॉक्टरों की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल में की है। आपको बता दें, एसटीएच प्रबंधन ओपीडी और आईपीडी के मरीजों के लिए निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराता है। बावजूद इसके कुछ डॉक्टर मरीजों को बाजार की महंगी दवाएं लिख ही रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार मरीजों ने लिखित और मौखिक रूप से एसटीएच प्रबंधन और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से की है। बता दें, जब ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो प्रबंधन संबंधित विभाग को नोटिस जारी करता है, लेकिन अभी तक किसी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने से परेशान लोग अब सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल में इसकी शिकायत करने लगे हैं। हल्द्वानी शहर में बालिकाओं द्वारा बताए गए असुरक्षित क्षेत्रों में नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने का काम सोमवार को भी जारी रखा। आपको बता दें, रविवार को बस स्टेशन, ठंडी सड़क, दुर्गा सिटी सेंटर, क्रियाशाला के निकट खराब स्ट्रीट लाइटों का बदला गया, तो वहीं देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने इनका निरीक्षण किया। गौरतलब है कि स्कूली छात्राओं के साथ हुई कार्यशाला में शहर के विभिन्न क्षेत्रों को असुरक्षित चिन्हित किया गया था। यहां देर शाम से रोशनी की व्यवस्था नहीं होना इन क्षेत्रों के असुरक्षित होने का बड़ा कारण बताया गया। अब इसके लिए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।